हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हर्षिता दलाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पाइल्स। अगर आपको लंबे समय से पाइल्स की समस्या है या फिर आप ऑपरेशन करा चुके हैं पाइल्स का और आपको वापस पाइल्स की समस्या हो गई है, आप इस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। आपको परमानेंट क्योर मिलेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा आपको परमानेंट क्योर देती हैं। इसके लिए मैं आज आपको बवासीर की समस्या से निदान के लिए मैं आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। पहली नक्स फॉर्मिका। नक्स फॉर्मिका में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और साथ में आपको बर्निंग या ईचिंग भी है तो आप नक्स फॉर्मिका ले सकते हैं। नक्स फॉर्मिका आप याद रखिएगा, सिम्टम होना चाहिए आपके पास में, कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए और साथ में आपको ईचिंग होनी चाहिए, तो आप नक्स फॉर्मिका 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसको आपको किस तरीके से लेना है, आप 30 पोटेंसी में ले और इसको आप सुबह 2 बूंद खाली पेट जीभ पर डाल लें और शाम को 2 बूंद खाली पेट जीभ पर डाल लें। आपको एक हफ्ते में ही आराम मिल जाएगा। दूसरी मेडिसिन है हमारी एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम में एक इसका रेड लाइट सिम्टम है, आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग रहेगी। जी हाँ, आपको बर्निंग रहेगी, साथ में आपको पेन होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कुछ चुभ रहा है, यानी कि प्रिकिंग पेन, बहुत ज़्यादा चुभन रहेगी आपको और साथ में आपको ब्लीडिंग भी रहेगी, पर बर्निंग बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको किसी भी तरह से आपको आराम नहीं मिलेगा, आप बर्निंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो अगर आपको अगर बर्निंग है तो आप एसिड नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। आप इसे दिन में 4 बार 2-2 बूंद सीधा जीभ पे लें, आपको आने वाले 2 ही दिन में आपको आराम मिल जाएगा। तीसरी मेडिसिन है अपनी रिटानिया 30। अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि नाइफ से कट लग गया है, यानी जी हाँ, आपको कटिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि आपको किसी ने नाइफ से काट दिया है, या फिर आपको कोल्ड वॉशिंग से, यानी कि आप ठंडे पानी से अगर वॉश करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ होगा। जब आप को ठंडक कम होगी तो आपको वापस बर्निंग होने लगेगी, ऐसे कटिंग पेन होने लगेगा आपको, तो इस कंडीशन में आप रिटानिया 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। जी हाँ, इसको आप सुबह दोपहर शाम 2-3 बूंद जीभ पे डाल लीजिए, आपको आने वाले 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा। जी हाँ, उसके बाद हमारी चौथी मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस का आप मदर टिंचर में लीजिएगा। हेमामेलिस में क्या होता है, आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। जी हाँ, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आपके कपड़ों पे भी स्टेन लग जाता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा और ब्लीडिंग को बंद नहीं हो पाती, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप हेमामेलिस का मदर टिंचर लीजिए। मदर टिंचर को आपको आधा कप पानी में 10-15 बूंद आप आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको एक हफ्ते में ब्लीडिंग में आराम मिल जाएगा। अपनी पांचवी मेडिसिन है, जी हाँ, अगली अपनी पांचवी मेडिसिन है कोलिनसोनियम। कोलिनसोनियम में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, साथ में पेन होता है, ब्लीडिंग और पेन, और उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन भी मिलेगा और ईचिंग भी मिलेगी, यानी कि ब्लीडिंग भी हो रही है, पेन भी है और ईचिंग भी है। अगर आपको ये तीनों कंडीशंस मिलती हैं और साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, यानी कि कब्ज, तो आप कोलिनसोनियम ले सकते हैं। कोलिनसोनियम आप 30 पोटेंसी में लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। जी हाँ, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन खाली पेट लेनी है आपको। धन्यवाद। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ डॉक्टर हर्षिता दलाल। थैंक यू।